सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी आईने की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। आप अपनी जिंदगी में बस सुकून ढूंढिए, क्योंकि इंसान की जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती है। आज का पंचांग 4 जुलाई 2020, दिन शनिवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 11:33 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 11:22 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:03 से 10:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि, आज आपका मूड हल्का फुल्का और नाटकीय बना रहेगा और आज आप हर खूबसूरत चीज से प्रभावित होंगे, इससे आपका कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। आज आप जो भी करेंगे उसमें आपकी सुंदरता का काफी असर रहेगा। आज सुंदरता से संबंधित कोई उपचार भी ले सकते हैं। अधिकारी वर्ग से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। संचार संबंधित क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। लंबित कार्यों को पूर्ण करने का समय है, सफलता मिलेगी। कार्य व्यापार में उन्नति के साथ साथ पद और गरिमा की भी वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग व सभी कार्यों में संपन्न प्राप्त होगा। पिता का मार्गदर्शन आपके लिए विशेष रूप से सहायक होगा। कोई नई परियोजना की शुरुआत होगी, भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि किसी विवाद से गुजर रहे हैं तो स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएगी। आप अपनी वाणी से सभी को संतुष्ट करेंगी। आज आपको शायद थोड़ा तनाव महसूस हो, क्योंकि आपके परिजन आपसे मदद मांगने को आएंगे। अच्छा, आपको कुल अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें, क्योंकि आपका परिवार बदले में हमेशा आपकी मदद करेगा। इस समय आपके परिवार वाले शायद आपसे मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सावधानियां, आशा आपका मन करेगा कि आप अपने सारे काम को एक तरफ रखकर अपने परिवार और दोस्त के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, तो आप ऐसा ही करें। लव लाइफ की बात करें तो आपको कहीं न कहीं यह महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमांटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें ज्यादा हैं और संतुष्टि कम है। फिर भी आपकी जिंदगी में कोई एक अलग सा व्यक्ति आने वाला है जो एक बार फिर आपको विपरीत लिंग के लोगों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। अपने आप को निराश ना होने दें। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखने से आपको भी मीठा फल जरूर मिलेगा। अच्छा, आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आप ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि यह एक छोटा नुकसान भी हो सकता है। सतर्क रहें, आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बचाव में खड़ा है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ हैं। आप उनके साथ विनम्र रहें और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दें। सेहत की बात करें तो आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपनी शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से
और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसीलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगी। इससे आप सकारात्मक महसूस करेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज का उपाय, आज आप गरीब बच्चों को उनकी जरूरत के चीजों का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।